अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग जनाब। आज एक बार फिर आपको ले आए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी शॉप में से एक शॉप, जिसमें आपको इंपोर्टेड रिम्स, हर क्वालिटी के स्पोर्ट्स, डीप डिश, ये जैसे आप देख रहे हैं नीचे, किसी भी क्वालिटी के चाहिए आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इनके पास स्टोर में भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आतिफ साहब, कैसे जी। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, हमें ना आज जो गाड़ियाँ जो जिनकी मैं रिम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास तो लैंड क्रूजर से तक भी रिम्स मौजूद हैं जी जो कि डिज़ाइन वाले हैं या जो भी है, और आम जीप, वो जो जीप होती है मॉडिफाई करने हैं, उनके भी मौजूद हैं। लेकिन मुझे स्पेशली चाहिए वो जो कार आम डेली यूज होती हैं, यानी कि 4 नट वाली होंडा की हो गई, टोयोटा की, या 5 नट वाली, इनके रिम्स आप मुझे बताएं जी ताकि इनकी क्या चल रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी जितनी आपके पास वैरायटी है। जी तो चलें हम बात कर लेते हैं पैसेंजर कार्स की, जिसके अंदर हुंडा सिटी है, क्रोला के कुछ पुराने मॉडल हैं, कुछ नए मॉडल हैं, उसके बाद सुजुकी है, मिट्सुबिशी है, उसके अलावा आप यूं कह लीजिए 660 cc जो कार्स आ रही हैं वो हैं। तो फिलहाल हम उस साइज़ की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है, वो है 15 और 16 साइज। इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है अलॉय व्हील्स में। 15 में होंडा सिटी बहुत है, यारिस है, उसके अलावा एल्सविन है, उसके अलावा टोयोटा के कुछ पुराने मॉडल हैं जिनमें 4 नट की कार्स आया करती थी, उनमें कुछ डिज़ाइन अवेलेबल हैं। उसके अलावा फिर ग्रैंडी और होंडा सिविक आजकल चल रही हैं बहुत ज़्यादा, उसमें 5 नट में 16 साइज़ के रिम चल रहे हैं। तो दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक तो है। स्टार्ट हम ले लेते हैं 15 साइज़ से, 4 नट में क्या क्या वैरायटी अवेलेबल है राइट नाउ, जो कि होंडा सिटी, क्रोला और सुजुकी और मिट्सुबिशी को लग रहे हैं। इसमें ये चाइनीज़ रिम है, बिल्कुल MR ब्रांड का है, ठीक है, 15 साइज़ है और 4 नट है। सही अब है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करता जाऊँ, आजकल पाकिस्तानी रिम्स भी अलॉय व्हील्स आ रहे हैं मार्केट में, तो चाइना और पाकिस्तान के दोनों मैन्युफैक्चरिंग में अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं। ठीक है। मगर जो चाइना का है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जो इसकी कंपोजिशन है मटेरियल की, उसमें एलुमिनियम और मैग्नीशियम है, उसका प्रॉपर रिम बना हुआ होता है। जबकि पाकिस्तानी जो रिम आ रहे हैं उसके अंदर आप यूं कह लीजिए कि रॉ आयरन, जो देगी लोहा जिसको हम बोलते हैं, वो मिक्स हुआ हुआ होता है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अगर आपका हार्डनेस होती है रिम के अंदर, कहीं खड्डे के अंदर लग गया तो रिम क्रैक होने में देर नहीं लगाता, तो चाइनीज़ रिम के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आता नहीं है। ठीक है। तो सॉरी, तो हम बात कर रहे थे इस डिज़ाइन की MR का, ये होंडा सिटी में बहुत कॉमन लगता है, टोयोटा में और सुजुकी कुछ मॉडल हैं उनमें भी लगता है, तो ये अवेलेबल है। उसके अलावा प्राइस क्या इसमें है फिर? ठीक प्राइस है इसकी 90,000 रुपीज़ है, ठीक है, एक रिम बस की। ऐसे ही आप आगे ना बताते जाएं सर। इसके नेक्स्ट आप ये डिज़ाइन देख लीजिए, ये भी MR ब्रांड का है, इसकी 95,000 रुपीज़ ठीक है। एक रिम की प्राइस है। इसके साथ ही डीप डिश में वर्क का रिम लगा हुआ है, जो लोग डीप डिश पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिम है, ये भी 95,000 रुपीज़ का एक सेट मिल जाएगा। फिर MR में हमारे पास जो इस टाइम ये एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन मौजूद है, जिसके ऊपर टूल वर्क हुआ हुआ है और साथ ही इसके चारकोल ग्रे कलर में पेंट है, ये 95,000 रुपीज़ का एक सेट है। इसके अलावा MR ही का ब्रांड है, इसमें टूल वर्क प्लस पेंट सिल्वर कलर में ये अवेलेबल है, ये 90,000 रुपीज़ का एक सेट है। ठीक है। फिर एक बड़ा खूबसूरत रिम है, ये MR का बड़ा लाइट वेट रिम है, तो जो कार्स के यूज़र हैं वो स्पोर्ट लुक देना चाहते हैं अपनी कार को, उनके लिए बड़ा अच्छा डिज़ाइन है ये भी 95,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। ठीक हो गया। इसके बाद HH का एक मॉडल है, ये सेमी डीप डिश में आता है, डीप डिश नहीं है, तकरीबन लुक उस टाइप की ये देता है, इसकी लिप लिप वाला रिम इसको आमतौर पे कहते ठीक हैं, है। ये 80,000 रुपीज़ का एक सेट अवेलेबल है। इसके अलावा भी आपने MR का ये वाला डिज़ाइन सिल्वर कलर में ऊपर देखा है, जी, सेम डिज़ाइन है, ये ब्लैक और टूल वर्क में अवेलेबल है, ये 95,000 रुपीज़ का एक सेट है। इसके अलावा फिर होंडा सिटी जो आजकल आ रही है, जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है, उसमें ये रिम लगा हुआ आ रहा है, ये उसकी फर्स्ट कॉपी होती है,
ये भी अवेलेबल है, ये 98,000 रुपीज का एक सेट है। साथ में एमआर का ये वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा खूबसूरत डिसेंट सा डिज़ाइन है, ये 90,000 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अलावा फिर इसमें ये 528 का एक डिज़ाइन है, ये बहुत ही पुराना सदाबहार डिज़ाइन है, जी, लंबे अरसे से आप देखते आ रहे होंगे, और ये वो रिम है जिसकी डिमांड खत्म होती नहीं है जी, जी, ये ज्यादातर जापानीज गाड़ियों में लगे होते हैं जी, हर किस्म की कार में लगा हुआ। आपने देखा होगा कि ये मेहरान से लेके अच्छा, अच्छा। सिविक तक में ये डिजाइन चल रहा है, ठीक है। तो और कई साल से चल रहा है, ये 82,000 रुपीज का अवेलेबल है चाइना की मेड में। नेक्स्ट फिर ये एक काबली सेट पड़ा हुआ है, अच्छा ये काबली सेट है, ये 60,000 रुपीज में मिल जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद एमआर का एक और डिजाइन है जो आपने पहले ऊपर देखा था, उससे मिलता जुलता है, सेम नहीं है, तो ये भी 90,000 रुपीज का एक सेट है। इसके अलावा फिर 16 साइज में आ जाते हैं चार नट में, ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि 16 साइज कर लें उसको 15 से, तो उसमें ये काबली सेट अवेलेबल है, ये 60,000 का एक सेट है, ठीक है। फिर 15 साइज में ये काबली सेट पड़ा हुआ है, ये 55,000 रुपीज का एक सेट मिल जाएगा। और नीचे 114 पीसीडी में, ये अभी तक जितने मैंने आपको दिखाए थे वो 100 पीसीडी के रिम थे, ये 114 पीसीडी का, जो बहुत पुरानी कार आती थी उनमें 114 पीसीडी होता था, उसका रिम है, ये 55,000 रुपीज का एक सेट अवेलेबल है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं 16 साइज में जो कार्स आ रही हैं, मसलन ग्रैंडी है, ग्रैंडी के अलावा होंडा सिविक है, उसमें कौन कौन सी वरायटी अवेलेबल है। तो ग्रैंडी में तो सबसे पहले जो उसका जेन्युइन डिजाइन आता है ये अवेलेबल है, फर्स्ट कॉपी होती है, जेन्युइन तो नहीं होता, मेड इन चाइना है, 1,30,000 रुपए का ये सेट अवेलेबल है पांच नट में। फिर 16 साइज में डायनामिक्स ताइवान का ये ब्रांड आया करता था, आजकल तो बंद हो गया, इसका एक सेट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये भी अवेलेबल है डीप डिश में, 1,10,000 रुपए का ये सेट है। फिर इसके सेंटर में ये 15 साइज पांच नट में लगा हुआ है, जो पुरानी अल्टस आती थी या पुरानी पांच नट वाली जो आ रही थी उनमें लगता है, ये मिल जाएगा 95,000 रुपीस का। इसके अलावा फिर अल्टस में, क्रोला में, या किसी भी पांच नट की कार में जो क्रोला की पीसीडी रखती है उसमें ये रिम लग जाएगा, आईएनएस का ब्रांड है और इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपये, साइज है इसका 16। और ये एसटी का बड़ा फेमस ब्रांड है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मटीरियल होता है इस ब्रांड का, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, आप ये देख सकते हैं स्टार में टूल वर्क है, साथ चारकोल ग्रे पेंट है, ये मिल जाएगा सर 1,10,000 में ये सेट। और साथ में चलें इतफाक से, ये हम तो ग्रैंडी और सिविक की बात कर रहे थे, 17 साइज में एएमजी का रिम है मर्सिडीज का, ये भी अवेलेबल है। मर्सिडीज के बहुत कम डिज़ाइन आते हैं मार्केट में, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन आया हुआ है, ये मिल जाएगा आपको 1,40,000 का एक सेट। इसके अलावा सिविक पे आ जाते हैं, होंडा सिविक में जो जेन्युइन रिम लग के आ रहा है वो ये ग्रे कलर में आता है और इसकी प्राइस है 1,30,000 पर सेट। और ये एलेंट्रा का जेन्युइन रिम लगा हुआ है, जो एलेंट्रा नई आ रही थी उनसे उतरा हुआ सेट है जेन्युइन अप्लाइड फोर कार का, ये 60,000 में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें 16 साइज में आपको होंडा सिविक के लिए ये डिज़ाइन भी मिल जाएगा स्टार में, रेड टोनर वाली पट्टी है इसकी बैक पे, काफ़ी अच्छा रिम है, मेड इन चाइना है और इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपये। फिर बात कर लेते हैं ये विजल का जेन्युइन रिम लगा हुआ है, ये असल में काबली आया हुआ है और जेन्युइन है, मतलब चाइना नहीं है, थाईलैंड की मेड में, और इसकी प्राइस है 65,000। बेहतरीन हो गए। अच्छा, इसमें जो काबली हैं, काबली का भी जिक्र आया थोड़ा सा, एक तो चाइना के हैं आपके पास जो नए हैं, काबली जो हैं वो बिल्कुल नए हैं कि थोड़े यूज वाले हैं, ये बताएंगे। काबली रिम वो होते हैं जो कंटेनर में बाहर की कंट्रीज से आते हैं, ठीक है, ज्यादातर कंटेनर आते हैं जापान से, तो कुछ रिम हमारे तक पहुंच जाते हैं, अब उनके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए होते हैं जब वो आते हैं, फिर उसको प्रॉपर पेंट करवाते हैं, पेंट करवा के फिर डिस्प्ले में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैंने आपसे पूछना है कि ये जो रिम है चार रिम, ये जब लगाने कोई बंदा आएगा आपसे, उसके कुछ चार्ज लेते हैं आपके, फ्री होता है ये क्या कैसे? नहीं, बेल्सिंग फिटिंग नाइट्रोजन नोजल्स ये हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, मतलब जो प्राइस हम रिम की ले रहे हैं उसके अलावा हम इन सर्विसेज के चार्जेस नहीं लेते। बेहतरीन हो गया। शोरूम का नाम, एड्रेस? न्यू ग्लोबल टायर, सादी रोड, सदर, रावलपिंडी। थैंक यू।